जानिए क्यों भोजपुरी हीरोइनें नहीं कर रही हैं चुनाव प्रचार। जी हाँ, आपने भोजपुरी हीरोज को तो बहुत देखा है प्रचार करते हुए, लेकिन भोजपुरी की हीरोइनें आपको कहीं नहीं दिखेंगी चुनाव प्रचार करते हुए। ये नहीं कि इनकी फैन फॉलोइंग नहीं अच्छी है, या आप ये भी नहीं कह सकते कि इनके पास चुनाव का टाइम नहीं है, लेकिन क्या बताएं, कोई इन्हें अप्रोच ही नहीं करता कि वो उनका चुनाव प्रचार करें। जी हाँ, भोजपुरी की सारी एक्ट्रेसेस इस वक्त इतनी बिजी भी नहीं है कि वो चुनाव प्रचार न कर सके, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ का हो, या फिर हो रवि किशन का, या फिर मनोज तिवारी का। लेकिन यहाँ भोजपुरी की कोई भी बड़ी एक्ट्रेस इतनी बिजी नहीं हुई है कि वो किसी का चुनाव प्रचार न कर सके। अब आप भाई ये तो समझ ही गए होंगे कि जब भोजपुरी के सारे हीरो, अमूमन सारे बड़े और छोटे हीरो, इस वक्त बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोई बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहा है, तो कहाँ से हीरोइनें बिजी हो गई। जब भोजपुरी के सारे हीरो चुनाव प्रचार में बिजी हैं या लोकसभा चुनाव लड़ने में बिजी हैं, तो फिल्में बन ही कहाँ रही हैं। इस वक्त तो भोजपुरी फिल्मों की हड़ताल चल रही है, इस वक्त तो भोजपुरी फिल्मों की मेकिंग की हड़ताल चल रही है। हाँ, खाली में खाली अगर आपके लिए दिख रहे होंगे तो वो रितेश पांडे हैं, वो न किसी का प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि भोजपुरी हीरोइनें इसलिए प्रचार प्रसार में नहीं आ रही हैं क्योंकि भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, जब भोजपुरी हीरोज ही कहीं मंच पर भाषण देने पहुंच जा रहे हैं या फिर चुनाव प्रचार ही करने पहुंच जा रहे हैं, तो इतनी पब्लिक जुड़ जा रही है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। और अगर अब हीरोइनें पहुंच जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए बताया जा रहा है कि भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए भोजपुरी हीरोइनों को बुलाया ही नहीं जा रहा है कि वो चुनाव प्रचार करें। इसके पीछे दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि भोजपुरी हीरोइनों से ज़्यादा भोजपुरी हीरोज की लोकप्रियता ज़्यादा है, जिसकी वजह से भोजपुरी हीरोइनों को कोई पूछ ही नहीं रहा है कि वो चुनाव प्रचार आकर करें। कुल मिला जुला कर दो रीज़न सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि भोजपुरी हीरोज जब प्रचार कर रहे हैं तो पब्लिक ज़्यादा जुट रही है, जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अगर भोजपुरी हीरोइनें भी आ जाएंगी प्रचार करने तो पब्लिक को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होगा। और दूसरी बात ये कि भोजपुरी हीरोज की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और जिसके मुकाबले भोजपुरी हीरोइनों की लोकप्रियता बहुत कम है, जिसके वजह से भोजपुरी हीरोइनों को कोई पूछ नहीं रहा है कि वो आए और चुनाव प्रचार करें। भाई, इसका आप सटीक उदाहरण यही देख सकते हैं। साए की तरह निरहुआ के साथ रहने वाली आम्रपाली दुबे पिछले एक महीने से निरहुआ के साथ नहीं है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हीरोइनों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।